चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही है कि हम कुंती महारानी की शिक्षाएं जो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के आठवें अध्याय से पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आज हम 28वां श्लोक चर्चा करेंगे जिसमें कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और उनका एक विशेष गुण बता रही हैं श्लोक में। श्लोक इस प्रकार है, मन्ये त्वं कालं ईशानां अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिता कले। तो कुंती महारानी कह रही हैं, माय लॉर्ड आई कंसिडर योर लॉर्डशिप टू बी इटर्नल टाइम द सुप्रीम कंट्रोलर विदाउट बिगिनिंग एंड द एंड द ऑल परवेसिव वन इन डिस्ट्रीब्यूटिंग योर मर्सी यू आर इक्वल टू एवरी वन द डायमेंशन बिटवीन लिविंग बींग्स आर ड्यू टू सोशल इंटरकोर्स। तो कुंती महारानी यहाँ पे भगवान के बहुत सारे गुण बता रहे हैं कि भगवान शाश्वत हैं, सुप्रीम कंट्रोलर हैं और उनका कोई आदि अंत नहीं है, और जब वो कृपा बांट रहे होते हैं तो वो हर व्यक्ति के लिए समान है। वो ये नहीं देखते इसको नहीं देनी है, इसको देनी है। तो यहाँ पे कुंती महारानी बहुत सारे भगवान की क्वालिटीज का वर्णन कर रही हैं, लेकिन हम एक विशेष गुण जो कुंती महारानी कह रही हैं, इन डिस्ट्रीब्यूटिंग योर मर्सी यू आर इक्वल टू एवरी वन, कि आप कृपा बांटने में क्या सबके लिए समान हो, तो हम उस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद भी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि यथा परहंसनम मुनिनाम अलक मना। तो ये भी वर्ष है, क्या है ये भी जो भगवान का इम्पार्शियल नेचर है, ये श्लोक उसको दर्शाता है कि कैसे जो भगवान कृष्ण है वो इम्पार्शियल है। देखने में लगता है कि वो पार्शियल है, बट क्या है वो इम्पार्शियल है। नमे द्वेष तो स्तना प्रिय, भगवान भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है और ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी से द्वेष है, सब मेरे लिए क्या है, जैसे कृष्ण भगवान क्या है परम पिता है, सभी उनके संतान है। जैसे हम देखते हैं जो प्रकृति एक नेचुरल है किसी फादर के लिए, क्या जितने भी उसकी संतान है सबसे बराबर का प्रेम करना है। लेकिन हम देखते हैं शास्त्रों के माध्यम से सुनते हैं, हमें देखने में लगता है कि कृष्णा क्या है कि जो असुर हैं उसके लिए क्या है पार्शियल है, उनका क्या है वो हमेशा गलत ही सोचते हैं, उनको मारते हैं एक्चुअली। जैसे हम बहुत सारे हमारे जैसे ये बात आती है तो हमारे जहन में दिमाग में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जिनसे हमें लगता है कि उनके साथ कितना बुरा करते हैं भगवान एक्चुअली असुरों के साथ। कैसे जब हम सोचते हैं जैसे कृष्ण और राम ने क्या है कई असुरों को क्या है मारा है, उनके साथ जो सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया है। जैसे हम देखते हैं शिशुपाल है, शिशुपाल को चक्र के माध्यम से गला काट दिया भगवान ने आके, और फिर उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो भगवान ने क्या है कर्ण की हत्या करवाई है, एक दूसरे अधर्म का पालन करके कर्ण की हत्या करवा दी, हिरण्याक्ष का वध किया है, हिरण्यकश्यप का वध किया है, इतने सारे, और जो कृष्ण लीला में आए तो पता नहीं अनगिनत असुरों का वध किया है,
बाली का वध किया राम ने, तो हमें लगता है कि इतने भगवान के असुरों को मत मारते जा रहे हैं एक्चुअली ऐसे है? तो असुरों का हमेशा क्या है, फेवर नहीं करते भगवान है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं क्या है, जो भगवान है देवी देवता है, जो डेमी गॉड्स, उनके क्या फेवर कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं मोहिनी मूर्ति जब उतार लेते हैं तो समुद्र मंथन से क्या निकलता है, अमृत निकलता है। तो मोहिनी मूर्ति क्या करती है, स्पेशली वो उतार लेते हैं किसके लिए, कि जो अमृत है खाली डेमी गॉड्स को मिले, असुरों को ना मिले, वो विशेष रूप से भगवान अवतार लेते हैं। तो ये इस तरह का नेचर क्या है भगवान का, हमें लगता है कि भगवान क्या है ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों देवताओं के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, देवताओं को अमृत क्यों दे रहे हैं। और दूसरी तरफ चलो देवताओं को दे रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन असुरों को भी तो दे दो, लेकिन असुरों को दूसरी तरफ वो नहीं दे रहे। बाली का केस हम देखते हैं ना, बाली के साथ भी ऐसा ही किया है कि, और इतना ही नहीं खाली ये नहीं कि चलो असुरों को अमृत मत दो, इसके बाद क्या हुआ, गलती से राहु और केतु ने अमृत पी लिया, तो क्या हुआ, भगवान विष्णु ने तुरंत चक्र निकाला मोहिनी फॉर्म में और तुरंत दोनों का क्या है गला काट दिया। इतना गुस्सा मतलब असुरों के लिए क्यों है, मतलब ठीक है आपने अमृत नहीं पिलाया वो बात चलती है समझ में आया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया आपने कि उनको गला भी काट दिया, अगर गलती से थोड़ा टच भी कर लिया उन्होंने। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने क्या किया था, पूरा संकल्प लिया था, वादा किया था कि मैं युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक दिन क्या किया, भगवान ने अस्त्र से उठा लिया और जो रथ का पहिया उसको लेके भीष्म पितामह की तरफ मारने के लिए दौड़े। तो उन्होंने क्या हुआ, अधर्म का पालन किया, अपना एक तो व्रत लिया और फिर क्या तोड़ दिया है, तो क्या वैल्यू रहेगी व्रत की, है कोई वैल्यू नहीं रहेगी व्रत की फिर ना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, नरसिंह लीला में हमारा जाता है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में उदाहरण आते हैं जिनसे हमें लगता है कि भगवान क्या है, जो असुर हैं उनके साथ तो धोखाधड़ी करते हैं और जो देवताओं को क्या है हमेशा पार्शियलिटी करते हैं, देवताओं को हमेशा फेवर करते हैं और असुरों को क्या है हमेशा अनफेवर करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर है, जैसे कि कुंती महारानी यहाँ पर कह रही हैं, क्या भगवान की क्वालिटी बता रही है, भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर है और भगवान का कोई आदि और अंत नहीं है, वही सुप्रीम प्रोपरेटर है, उन्हीं के इच्छा से सारी चीज हो रही है। तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए पहले स्तर पर कि भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर है और भगवान ही क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान है एक्चुअली। तो ये भगवान का जो गुण है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, कि ये जो गुण है हमें बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। और अगर हम भगवान का ये गुण जानते हैं और फिर भी अगर हम सोच रहे हैं कि कृष्ण क्या है, एनवियस है, और वो जो असुर है उनके उनके प्रति एनवियस है, उनके प्रति क्या है प्रेम है उनका एक्चुअली, तो अगर ऐसा हमारा नेचर रहेगा एज अ भक्त, तो क्या है हम कभी भी भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको क्या है नहीं डेवलप कर पाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम भगवान के प्रति द्वेष रखें, सोचें कि वो पार्शियलिटी करते हैं और सोचें कि उसके प्रति हमारा प्रेम भी डेवलप हो जाए, तो ये क्या है बहुत मुश्किल है। जैसे कि उदाहरण से इसको समझते हैं कि हम देखते हैं, जैसे हम कुछ कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, और अगर मैं सोचूं कि जो टीचर है वो क्या है, कुछ उसके अंदर चरित्र की कमी है एक्चुअली, है ना, और वो क्या करता है, जो हमारा टीचर है वो कुछ विद्यार्थियों को क्या फेवर करता है और कुछ विद्यार्थियों को क्या इग्नोर करता है। तो अगर हमारी ऐसी सोच होगी शिक्षक के प्रति, टीचर के प्रति, तो क्या हम उसके प्रति प्रेम डेवलप करवाएंगे, उसके प्रति जो हमारा प्यार है वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो शास्त्र है हमारे स्पेशली भागवतम, वो हमें बताती है कि जो हमें बहुत समझना आज के में बहुत जरूरी है, क्या 7th कैंटो के श्रीमद् भागवतम में पहले अध्याय में जिसका नाम ही है क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इक्वल टू ऑल, कि जो परम पुरुषोत्तम भगवान है वो क्या है सबके लिए समान है। क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि शिशुपाल को कृष्ण ने मारा और उसके शिशुपाल से एक ज्योति निकली और कृष्ण में समा गया, तो
उन्होंने नारद मुनि से प्रश्न किया कि भगवान ऐसे, मतलब ये नेचर क्या है, मैं समझ में नहीं आएगा भगवान इतने पार्शियल क्यों हैं। तो ये मुनि जो महाराज को इसी चैप्टर के अंतर्गत कि कैसे भगवान क्या इम्पार्शियल नहीं है, है ना। तो जैसे कि हम देखें कि बारिश होती है थी, है ना, और बारिश होती है तो क्या होता है, जैसे आपने जमीन में कुछ बोया है थी, तो जब बारिश प्राकृतिक रूप से आती है तो क्या है, पौधे उगते हैं और फल भी आम की तरह आते हैं, और जो भी आम के बीज डालता है सातवीं मंजिल तक बारिश जो बढ़ती जाती है तो क्या है, तो वो जो फल फूल है वो क्या है, गिर बढ़ रहे हैं। और जो बारिश है एक्चुअली वो क्या है, हर जगह उसका पानी निकल रहा है हर जगह। तो वो ऐसा नहीं देखते कि नहीं इस जगह पानी गिराना है, इस जगह नहीं गिराना है। तो ये भगवान क्या है, इसी तरह से यही नेचर है भगवान का भी बारिश की तरह कि वो हर जगह अपनी कृपा को बरसा रहे हैं। जैसे कुंती मैंने यहाँ पे कह रही है कि आपकी जो कृपा है क्या है, आप कृपा बांटने में क्या है, कृपा इक्वली बांट रहे थे। और दूसरी तरफ जो दानव हैं उनके लिए भगवान फिर ऐसा एक्ट क्यों करते, क्योंकि जो दानव हैं, जो दानव की क्या है कि असुर तद विप्राय की अर्थ कि ईश्वर की अवज्ञा जो भगवान ने कहा है वो नहीं करना, बस उनको जो शास्त्रों का आदेश है वो नहीं करना है, वही क्या है, वही व्यक्ति असुर है। असुर ऐसा थोड़ी है कि जिसके चार सींग लगे हैं या कुछ दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है वो असुर है, नहीं, जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं कर रहा वही असुर है, जो ईश्वरों के नियम की अवज्ञा कर रहा है वही क्या है, असुर है। जैसे एक बार शिक्षक ने क्या किया, कुछ एकत्र किया और सात बच्चे सबको बांट दिया है। तो इस तरह को हुआ, तो एक्चुअली जो डीमंस हैं कि दानव है वो क्या है, वो ऐसी योजना बनाते हैं कि जो ब्राह्मणिकल कल्चर है वो क्या पूरा नष्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से भगवान भी क्या है, जैसे टीचर है वो क्या है, कोई भी चीज़ अगर स्टूडेंट्स हैं उसके क्या है, कोई भी चीज़ गलती करता है स्टूडेंट तो क्या है, उसको करेक्ट करता है, उसके लिए पनिश करता है। तो ऐसे ही भगवान भी क्या है, अगर कोई पूरी दुनिया को खुश करना सकता है तो उसको क्या है, फेवर करते हैं, लेकिन कोई अगर उस कल्चर के डिफरेंट अगेंस्ट जाता है और भगवान के भक्तों को पीड़ा देता है, कष्ट देता है, तो क्या है, भगवान उसका क्या है, विनाश करने के लिए आ जाते हैं। तो जैसे कि हम समुद्र मंथन लीला में देखते हैं कि तो समुद्र मंथन लीला पूरी तरह से हमें क्या दिखाई देती है, पूरी तरह से दिखाई देती है कि क्या है, भगवान डेमी गॉड्स को फेवर कर रहे हैं। जब जब वासुकी को पकड़ा जाता है तो क्या होता है, असुरों को लगता है कि हमें पूंछ दे दी एक्चुअली, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अच्छा अच्छी मुँह रख लिया, पूंछ मतलब पीछे का सिर आए, तो इतना क्या है, पवित्र नहीं है, इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम क्यों पूंछ पकड़ें, हम क्या है, हम तो मुख पकड़ेंगे एक्चुअली। तो भगवान को पता था कि ये असुर क्या है, असुर मतलब ये कभी भी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, ये हमेशा अगेंस्ट जाएगा। तो भगवान ने पहले ही प्लान बनाया क्या है कि आप पूंछ पकड़ो, उन्हें पता था कि वो चेंज करेंगे बाद में। जो भगवान को पहले ही पता था कि जो वासुकी के मुख से क्या है, जहर अग्नि निकलेगी, वो बहुत चलाएगी है, तो इस तरह उन्होंने प्लान बनाया। और बाद में भी हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया कि जो अमृत निकला, मोहिनी ने किसको पिलाया, खाली डेमी गॉड्स को पिलाया, असुरों को क्यों नहीं पिलाया, क्योंकि उनको पता था कि असुरों को पिलाएंगे तो असुर उसका क्या है, मिसयूज करेंगे, अपनी शक्ति का वो क्या है, दुरुपयोग करेंगे, वो जो ब्राह्मणिकल कल्चर है उसको क्या है, डिस्ट्रॉय करेंगे। और भगवान का जो अवतार होता है किसी न किसी पर्पज से ही होता है। हम देखते हैं कि लॉर्ड वामन देव प्रकट क्या, उन्होंने भी चीटिंग की, किसके साथ, बलि के महाराज के साथ चीटिंग किया थी। उन्होंने क्या तीन भूमि, तीन चरण भूमि मांगी और उसके बल से क्या है, पूरा साम्राज्य हड़प लिया। ऐसा क्यों किया है? तो भगवान ने क्या किया है, सबको कुछ न कुछ जमीन दी है, तो बलि महाराज के पास अपनी जमीन थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जमीन से ज्यादा जो इंद्र की साम्राज्य है उसको भी हड़प लिया है। तो ये क्या है, एक लालच है, दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़प रहे हैं। तो
भगवान ने कुछ गलत नहीं किया, भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो इंद्र का साम्राज्य था उनसे लेके इंद्र को दे दिया वापस। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि एक फादर है, अब उसके दो बच्चे लड़ रहे हैं, तो बड़े बच्चे ने क्या किया, दोनों को खिलौना दिया है के, लेकिन बड़े बच्चे ने क्या किया, छोटे भाई का भी खिलौना ले लिया और दोनों से खेलने लगा के। तो फादर क्या करेगा, फादर आएगा और छोटे बच्चे से जो खिलौना छीन लिया है बड़े भाई ने, तो बड़े भाई से एक खिलौना लेके वापस उस छोटे भाई को दे देगा। तो इसमें क्या है, पार्शियलिटी है ना, जो जिसकी चीज थी वो उसको दे दिया। तो अगर फादर आते हैं खिलौना वापस कर दो, तो वापस नहीं करता, लेकिन फिर फादर को क्या करना पड़ता है, उससे खिलौना छीन के दूसरे व्यक्ति को देना पड़ता है, या उससे कुछ चीटिंग करनी पड़ती है, कुछ ऐसा उसे समझाना पड़ता है कि वो समझ जाए, चीटिंग करके धोखा देके उसको खिलौना उससे लेना पड़ता है कि उधर देखो जरा, तो छीन लिया है। छोटे बच्चों की समझ नहीं होती। तो ऐसे ही भगवान भी क्या है, जब मांगते हैं तो नहीं देते, वो भगवान के सामने आप समर्पण नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान के सामने समर्पण नहीं करते, लालची हो जाते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, तो इसीलिए भगवान को क्या है, फिर उनसे वो चीज छीननी पड़ती है। ये लालच है। जैसे हम देखते हैं अलेक्जेंडर का उदाहरण देखते हैं, कि अलेक्जेंडर के पास भी क्या था कि अपना साम्राज्य था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, बहुत सारे लालच था, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए एक्चुअली। और इसी लालच के बदले में क्या है कि वो पूरे विश्व को जीतने चला गया। 29 साल की उम्र में क्या है, प्रैक्टिकली पूरे विश्व को उसने क्या है, विजय प्राप्त कर ली थी, पूरा विश्व उसका साम्राज्य बन चुका था। लेकिन क्या हुआ कि वो एक स्त्री का क्या है, एक गुलाम बन गया है, और 32 साल की उम्र में क्या है, उसकी मृत्यु हो गई। क्यों, क्योंकि वो इंद्रियों का गुलाम बन गया है, सारे साम्राज्य को जीत लिया, सारे साम्राज्य का स्वामी बन गया, लेकिन क्या है, गोदास बन गया, अपने इंद्रियों का उदास बन गया, जो उसके पतन का कारण बना। तो इतना लालच होता है इंसान कि अपने आप से खुश नहीं होता, तो यही आसुरिक प्रवृत्ति है। जैसे हम देखते हैं ब्रिटिश पीपल्स हैं, हिटलर है, स्टेलिन है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने भी क्या किया कि उनके पास जो जमीन थी वो क्या है, उससे सेटिस्फाई नहीं थे, और वो दूसरों की जमीन घोड़पना चाहते हैं, दूसरे राज्य को जीतना चाहते हैं, और उसके लिए वो क्या करते हैं, वो दूसरों को भी परेशानियां देते हैं। इतना जो लालच है एक्चुअली इतना होता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई कुत्ता क्या है, हंग्री है, भूखा है, वो हूं हूं कर रहा है एक्चुअली, और आपने उसके मुंह में कुछ दे दिया खाने के लिए, तो वो क्या करेगा, फिर से आपके पीछे आएगा कि मुझे कुछ और मिल जाए। ऐसे ही हिटलर भी इसी तरह है कि उसे कुछ कंट्रीज को, उसने देशों को जीत लिया, लेकिन उसका लालच बढ़ रहा है क्या है कि मुझे पड़ोसी देशों को जीतना है। अलेक्जेंडर भी इसी कैटेगरी में, स्टेलिन है, इतने सारे लोगों की हत्या कर दी उसने, किस लिए, केवल मेरे जीवन सुरक्षा होना चाहिए, अपने कई सारे जो भी उसे थोड़ा शक होता था क्या है, उसको उड़ा देता। तो इस तरह ये आसुरिक कल्चर है। इसी तरह हम देखते हैं राम ने रावण का वध क्यों किया, रावण क्या है, आसुरिक कल्चर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कि उसने सीता माता है जो भार्या है उनको क्या, उन्हें किडनैप कर लिया है। तो अगर रावण ने क्या, राम ने बोला उनको सरेंडर कर दो एक्चुअली, सीता ने समझाया, उसकी वाइफ मंदोदरी ने समझाया, लेकिन वो नहीं माना कि नहीं मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। इसी वजह से क्या हम देखते हैं कि उसे उसका परिणाम मिला। और हम देखते हैं शास्त्र में बताया गया है कि जो स्त्री है उसको मारा नहीं जाना चाहिए, उसका वध नहीं किया जाना चाहिए, स्त्री बच्चे बूढ़े ये क्या है, इनको तो हमेशा प्रोटेक्शन देनी चाहिए, आश्रय देना चाहिए, तो इनको मारना तो एक अपराध है, शास्त्र के अगेंस्ट है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं भगवान ने क्या है, पूतना ताड़क का वध किया, कृष्ण ने पूतना का वध किया है, और राम ने ताड़क का, सुपर्णखा इनका अपमान किया, वध किया है, तो ऐसा क्यों किया है, जो शास्त्र में ऐसा नहीं बताया गया। लेकिन शास्त्रों में क्या, ऐसे वुमेन किलिंग बिल्कुल मना की गई है, एक अपराध है, और इसी अपराध के चलते कभी कभी क्या होता है, स्त्रियां इसका फायदा उठाती हैं, और कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसा कुछ ऐसे पैलेसेस में जाके कुछ स्त्रियां क्या, पहले हम देखते हैं बहुत ही लूट खसूट कर ली, चोरी कर ली समथिंग, क्यों पता है कि ऐसे हमारे साथ तो कुछ बुरा होगा नहीं। लेकिन कभी कभी क्या है, उनके साथ बताया जाता कि अगर ऐसा उन्होंने कार्य किया तो उनकी उंगली काट दी जाती थी, ज्यादा उनकी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता उनको, लेकिन उनकी उंगली कुछ दंड उनको दे के छोड़ दिया जाता। लेकिन कृष्ण ने क्या है, पूतना का वध किया, राम ने हम देखते हैं डीमन जो ताड़क है उसको वध किया है, भगवान खुद शास्त्रों का क्या है,
उल्लंघन कर रहे हैं। क्या शास्त्र का उल्लंघन है? नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ताड़का क्यों आई थी। ताड़का जो विश्वामित्र मुनि है यज्ञ कुंड में क्या करती थी, जो मल त्याग करते थे, मलमूत्र का त्याग करते थे। तो ये जो ताड़क है वो क्या है, यक्ष राक्षस है एक्चुअली। ये क्या है, साधुओं को उठाते हैं, सेज उठाते हैं, उनको खा जाते हैं, नरभक्षी हैं। तो जो सेजेस हैं, साधु हैं, जो ब्राह्मण है, वो क्या है, वो पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज को क्या है, बेनिफिट कर रहे हैं। किस लिए? यज्ञों का आयोजन करके और लोगों को, समाज को क्या है, अच्छी शिक्षाएं देके। लेकिन ये राक्षस क्या कर रहे हैं, उन्हीं को टॉर्चर कर रहे हैं, उनका जो ब्राह्मणिक कल्चर है उनको बर्बाद कर रहे हैं, जो ब्राह्मणिक सभ्यता जो फैला रहे हैं उसको क्या है, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान क्यों आते हैं, भगवान का क्या, नमो ब्राह्मण कृष्णा गोविंदा नमः। तो भगवान ब्राह्मणिकल कल्चर, जो ब्राह्मणिक सभ्यता है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आते हैं। तो भगवान का कर्तव्य क्या है कि उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये ब्राह्मणिक कल्चर है, यज्ञ इत्यादि करना, तपस्या करना, दान करना। लेकिन जो राक्षस है वो क्या है, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, भगवान उनकी रक्षा के लिए आते हैं। और ऐसे जो ब्राह्मणिक कल्चर को नष्ट कर रहा होता है, जो भगवान के भक्तों को सता रहा होता है, करते हैं। तो ये भी नाश करना भी क्या है, उनके लिए एक कृपा है, असुरों के लिए। तो ऐसे अगर जो भगवान है ऐसे असुरों का नाश भी कर रहे हैं, तो क्या है, क्यों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणिकल कल्चर को बचाने के लिए। क्योंकि जो ब्राह्मणिकल कल्चर है वो क्या है, उससे एक न एक दिन वो क्या है, वो जो व्यक्ति वो क्या है, कृष्ण कॉन्शियस बन जाएगा और कृष्ण भावनावित बन के क्या एक दिन वो भगवान के धाम जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस काम में बाधा लाता है तो भगवान को पसंद नहीं है, भगवान उसका क्या है, विनाश करते हैं। जो भी कृष्ण भावनावित आंदोलन में या ऐसे ब्राह्मणिक कल्चर में बाधा आएगा, क्या है, भगवान उसका विनाश करेंगे। तो राम ने सोचा ये जो एक्टिविटीज कर रहे गए ब्राह्मणिक कल्चर के खिलाफ है, इसीलिए उन्होंने ताड़का का वध किया, भगवान ने पूतना का वध किया। और उनका वध करने के बावजूद भी क्या है, उनका जो डेस्टिनेशन है वो अच्छी प्राप्ति हुई। जैसे हम देखते हैं पूतना का वध जरूर किया भगवान ने, लेकिन उसको किसका दर्जा दिया, उसे अपनी माँ का दर्जा दिया भगवत धाम में। और ताड़का, जैसे ही ताड़का में भगवान के जो तीर लगे, जैसे ही तीर टच किए, उसका शरीर पूरा पवित्र हो गया, जितने भी पाप में इसने कार्य किए हैं सारे पापों से इसको मुक्ति मिल गई है। तो भगवान एक तरह से कृपा कर रहे हैं। तो इस तरह भगवान, अगर हमें देखने में लगता है कि वो ऐसा कुछ कर भी रहे हैं, तो क्या भगवान उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो ब्राह्मणी के कल्चर का क्या है, नाश हो रहा है उससे, वो कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं एक अध्यापक है, तो अध्यापक है और कुछ विद्यार्थी अगर एग्जाम में कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, और नकल होकर क्या नंबर आ रहे हैं, एक एक विद्यार्थी नकल की दूसरा कर रहा है एक्चुअली, तो जो टीचर है विद्यार्थी है तो क्या करेगा, उनको कॉपी करने देगा, नकल करने देगा, नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सब लोग नकल करके पास होंगे तो जो ज्ञान है, जो आगे जाकर जॉब करेगा, तो बिल्कुल अज्ञानी मनुष्य होगा, तो वो तो जो ज्ञान है उसको कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा, तो व्यर्थ है ऐसा ज्ञान, कोई फायदा नहीं है। तो अध्यापक का काम है कि ऐसे विद्यार्थियों को क्या है, दंड देना है, ये उसका लॉ है, रूल है, उसका काम है। तो इसी तरह जब भगवान है एक्चुअली, भगवान भी ऐसे जो क्रिमिनल लिविंग एंटिटीज हैं, जो दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं एक्चुअली, और भगवत धाम आने के जो रास्ते में क्या है, रुकावट बन रहे हैं, तो इसीलिए भगवान भी उनको क्या है, पनिश करते हैं, दंड देते हैं। और उस दंड देने में भी भगवान की क्या है, कृपा है एक्चुअली। असुरों को दंड दे रहे हैं तो ये क्या है, भगवान की कृपा है। जैसे हम देखते हैं शिशुपाल को मारा भगवान ने, शिशुपाल को जब प्रकट हुआ तभी उनकी मदर को पता पड़ गया कि शिशुपाल क्या है, भगवान कृष्ण ही उसकी मृत्यु का कारण बने, कृष्ण द्वारा उसका वध किया जाएगा। तो मदर उनकी डर गई है, तो मदर ने उनको कृष्ण का अप्रोच किया कि कृपा करके इनको माफ कर दो, इनका वध मत करो। तो कृष्ण भगवान ने बोला क्या, ठीक है मैं इनके 100 अपराध माफ करूंगा, और 100 ऐसे छोटे मोटे अपराध नहीं, 100 ऐसे अपराध माफ करूंगा जो मृत्यु दंड के लायक होंगे, ऐसे अपराध इनके माफ करूंगा।
और एक के बाद एक जब हम देखते हैं रुक्मिणी विवाह हुआ तब शिशुपाल ने इतना गलत बोला, इतना अपराध किया, तो एक के बाद एक भगवान क्या है 100 अपराध उनके माफ करते गए। और वो कौन से अपराध थे? जो मृत्यु दंड लायक थे वो अपराध माफ। ये भगवान का कंपेशन है कि भगवान समय दे रहे हैं कि भाई सरेंडर कर दो एक्चुअली, लेकिन उसके बावजूद भी शिशुपाल ने क्या कोई शिक्षा नहीं ली। अंत में क्या है, भगवान कृष्ण ने उनको क्या है मर्सी किलिंग, जैसे हम देखते हैं अभी गवर्नमेंट ने भी लागू कर दिया मर्सी किलिंग, तो उन्होंने उनको क्या है मार दिया। इसी तरह हम देखते हैं कंस का भी वध किया, लेकिन ऐसे असुरों को वध करने के बावजूद भी क्या है उनकी कैसी गति होती है, उन्हें ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है। तो इस तरह जब ब्रह्म मूर्ति भी हम देखते हैं, हमने डिस्कस किया कि उनका भी ऐसा लगता है हमें, उन्हें पार्शियलिटी के बट पार्शियलिटी नहीं की, उनको भी ब्राह्मणिकल कल्चर बनाने के लिए उन्हें क्या है पनिश करना पड़ा है, उनको पता था कि उसका मिसयूज करेंगे। तो कृष्ण भगवान उनकी हेल्प करते हैं जो भगवान के प्लान के साथ अलाइन होना चाहते हैं, भगवान के प्लान, और जो भगवान के प्लान के अगेंस्ट जाता है उसमें रुकावट डालता है, तो भगवान क्या है उसको एक तरह से कृपा करके भगवान पहले समझाते हैं, भगवान समझाते हैं जैसे कभी कभी बच्चों को समझाया जाता है भाई मान जाए ऐसे मत कर, बच्चे नहीं मानते, रिजिद करते हैं, नहीं करते हैं, गलती करते हैं, तो फिर क्या है उनको दंड दिया जाता है। तो दंड देना भी किस लिए, कि वो सुधरने के लिए है, कभी कभी दंड देने के लिए, सुधरने के लिए भी क्या है दंड देना जरूरी होता है। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट दंड देती है, जेल में भेजती है, क्यों देती है, क्योंकि उनका पर्पज होता है सुधारना है। तो एक गवर्नमेंट क्या कर रही है कि दूसरे लोगों को क्या है दंड दे रही है, और कुछ लोगों को क्या है वो दोनों को क्या है फायदे के लिए दे रही है। तो इस तरह यहां पे कुंती महाराज इम्पार्शियल नेचर अपने श्लोक के माध्यम से, और हमने जाना कि क्यों हमें लगता है इम्पार्शियल है, लेकिन भगवान इम्पार्शियल नहीं है, क्योंकि उनके जो एक्टिविटीज हैं दोनों ही, उनका जो प्लान है जो ब्राह्मण के कल्चर